नीमच से नरेंद्र जी से बात कर लेते हैं हम अब। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा ये सवाल था कि यस बैंक और आइडिया के स्टॉक खरीदना, 10,000 शेयर खरीदना, खरीदने के लिए उचित समय क्या? अभी बढ़ेंगे तो कब तक बढ़ेंगे? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्या राय बन पा रही है यस बैंक और वोडा आइडिया पर अभी करंट लेवल्स पर आपकी, विकास सर? देखिए दोनों ही स्टॉक में, एक तो जहां तक पहले वोडाफोन आइडिया की बात करता हूँ, स्टॉक में बहुत हलचल थी और बट पिछले 15-20 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया अपने हाइट से, 16-17 रुपए के हाइट करे थे वहां से, अब आजकल 8 रुपए के आसपास। अब यहाँ पे एक थोड़ी अनसर्टेनिटी है बिकॉज इनके जो एजीआर ड्यूज को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव जजमेंट दिया या इनकी प्ली को एडमिट नहीं किया, उसके कारण से हमने गिरावट देखी। बट ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे ये जिनके पास है उनको तो होल्ड ही करना है, बाकी फ्रेश खरीदारी थोड़ा रिस्क है बट यहाँ पे खरीदा जा सकता है बिकॉज प्रोमोटर्स ने भी फंड्स इन्फ्यूज करे हैं, सरकार की भी हिस्सेदारी है और जिस तरह से टेलीकॉम टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं, अगर इनको एजीआर फंड पे कोई रिलीफ मिलती है तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा, तो इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है। और दूसरा जो यस बैंक पे इनका सवाल था, एक बड़ी इक्विटी वाली बैंक है, मैं इसको ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कैनरा बैंक है, आज नतीजे आए, नतीजे अच्छे लग रहे हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सब स्टॉक में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फेडरल बैंक ऑल्सो हैज पोस्टेड वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, तो मुझे लगता है वहां पे इनको कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स और जल्दी मिल सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड हिम टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द बैंक्स व्हिच आई सजेस्टेड। ओके, तो यस बैंक की जगह कुछ और जो बैंकिंग स्पेस अलग स्टॉक्स है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, जहां पर कुछ अच्छे नतीजे भी आए हैं, यहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है आपके स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से। हरियाणा से कुलविंदर जी से भी बात